सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि व असहाबिही अजमाईन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकू वस्जुदू वअबुदु रब्बकुम वफअलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून सदकल्लाहु लज़ीम। मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और माएँ और बहनें, यह आयत शरीफा जो मैंने तिलावत की इसका तर्जमा है कि ईमान वालों, तुम रुकू करो और सजदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। वफअलुल खैर, और भलाई और नेकी के काम करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पिछले जुमा में इसी आयत करीमा की मातहती में चंद बातें अर्ज की थी। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने चार कामों के करने का हुक्म दिया। नंबर एक, रुकू करो। इस पर तफसील से मैंने कलाम किया। नंबर दो, वस्जुदू यानी कि सजदा करो। इस पर भी मैंने तफसील से पिछले जुमा में बात की। तीसरा काम, वअबुदू रब्बकुम, कि तुम इबादत करो अपने रब की। इस जुमले पर तफसीली कलाम इस वक्त करना है। कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने हम इंसानों को पैदा करने का मकसद बयान किया कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को महज मेरी इबादत के वास्ते पैदा किया है। हदीसे पाक में भी ये बात मिलती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खुद अल्लाह तबारक व तआला शानहू फरमाते हैं, जिसका मतलब ये कि ये हदीस हदीसे कुदसी है। बस मौकों पर मैंने इस हदीस को बयान किया भी है। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुमको इसलिए पैदा नहीं किया कि मैं अकेला था, अच्छा नहीं लगता था तो तुम्हारे जरिए जी बहला लूं, या ये कि मेरे खजाने कम हो गए थे तो तुम्हारे जरिए खजाने बढ़ा लूं। इन्नमा खलकतुकुम लिताबुदूननी तवीला, बल्कि मैंने तुम्हें इस वास्ते पैदा किया ताकि तुम मेरी खूब इबादत करो। वतस्जुदूननी कसीरा, और तुम मुझे खूब सजदे करो। वतुसब्बिहूननी बुकरतन व असीला, और तुम सुबह शाम मेरा जिक्र करो, मेरी तस्बीह करो। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने अपनी इबादत का हमें हुक्म दिया और हमारी तखलीक के गर्ज भी इबादत बयान की गई। हम अगर अल्लाह की इबादत करते हैं तो इसमें हमारा फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू की जात तो चूंकि बेनियाज है, अगर हम इबादत करें तो अल्लाह का कोई फायदा नहीं, इबादत ना करें तो अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला शानहू इस बात को बयान फरमाते हैं, यानी अपनी बेनियाजी को बयान फरमाते हैं कि या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अतका रजुल कल्बिन वाहिदिन मा ज़ाद फी मुल्की शैया, कि मेरे बंदो, तुम तमाम के तमाम इंसान और जिन्ना और तुम्हारे पहले लोग और तुम्हारे पिछले,
अगर मेरे एक मुत्तकी और फरमाबरदार बंदे की तरह मुत्तकी बन जावे तो भी मेरी बादशाहत में रत्ती बराबर इजाफा नहीं होगा। वया इबादी लव अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी कल्ब रजुलिन वाहिद मिनकुम फमा नक़स बिदालिक मिन मुल्की शैआ। तुम तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात तुम्हारे अगले और पिछले, अगर मेरे एक नफरमान बंदे की तरह नफरमान हो जावे तो मेरी बादशाहत में रत्ती बराबर नुकसान नहीं आवेगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू की जात बेनियाज है। बहरहाल अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया जिसमें दोनों जहां की कामयाबी हमारे वास्ते है। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू कामिल इबादत नसीब फरमावे। पिछले जुमा में मैंने एक बात ये भी बताई थी हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि इबादत का अल्लाह ने जो हुक्म दिया तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि इबादत की 10 किस्में हैं, नमाज, रोजा, हज, जकात, कुरान पाक की तिलावत, नंबर 6 अल्लाह के जिक्र को हमेशा करना, नंबर 7 हलाल रोजी, नंबर 8 हुकूक की अदायगी, बंदों के भी हुकूक और अल्लाह के भी हुकूक, नंबर 9 अमर बिल मारूफ यानी कि भलाई का हुक्म करना, नंबर 10 नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने इस आयत करीमा में हमें अपने इबादत का हुक्म दिया। इसी बात को अल्लाह ने दूसरी जगह पर बयान फरमाया, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, के लोगों तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे अगले लोगों को भी पैदा किया। अब इसमें एक जुमला है काबिले गौर है कि अल्लाह ने अपना तारुफ करते हुए यूं कहा कि तुम इबादत करो अपने रब की, रब को। अब ये लफ्ज रब जो है इसके माना है पालने वाले जात, पालनहार। जब हम आलम अरबा में थे तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने हमारी रूहों से अपने रुबूवत का इकरार करवाया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। हम तमाम इंसानों के रूहों ने मिलकर ये जवाब दिया था, कौलो बला, हाँ क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू हम तमाम जानदारों की जरूरियात को बरवक्त पूरा करता है। रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारी जरूरियात को पूरा करने वाला। तफसील से कलाम करने का वक्त नहीं है पर मिसाल देकर ये बात समझा दो। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बेचारा अकल का कच्चा, उसकी जरूरियात को कौन पूरा करता है। काबिले गौर बात है कि बच्चा खुद उठ नहीं सकता, बच्चा खुद बैठ नहीं सकता, अपना लिबास खुद पहन नहीं सकता, यहां तक के दूध पी नहीं सकता, करवट बदल नहीं सकता, इतना कमजोर ज़ईफ लागीर बच्चा कि न कपड़ा अपना, न माल अपना, न रुपया पैसा अपना, न उसके जिस्म में ताकत, न उसके बदन में कुव्वत। लेकिन अल्लाह की जात उसकी परवरदिगार है कि बच्चे की जरूरियात जाहिरी तौर पर तो मां बाप पूरा करते हैं,
पर हकीकत में उसकी हर जरूरत अल्लाह पूरी करता है। रब्बुकुम की तफसील में ये बातें लिखी। बहरहाल अल्लाह ने अपना तारुफ कराया कि तुम इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर आगे फरमाया अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द फिराशा, कि तुम इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे अगलों को भी पैदा किया और जिसने तुम्हारे वास्ते जमीन को बिछोना बनाया, वस्समा बिना और आसमान को छत बनाया। अभी कितना बड़ा काम अल्लाह ने हमारे वास्ते किया, जमीन को हमारे वास्ते बिछाया, आसमान को अल्लाह ने हमारे वास्ते उठाया और छत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला शानहु इसके जरिए अपनी ताकत भी बतलाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा ताकत वाला हूं। कुरान पाक में कई आयात में जमीनों और आसमानों की पैदाइश के सिलसिले में अजीब व गरीब अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने अपनी ताकत और अपनी कुदरत को बयान किया। मारूफ और मशहूर बातों को तो हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने 6 दिनों में आसमानों और जमीनों को बना दिया। खलक समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, कि अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया और वो ठीक तौर पर पैदा किया जिसमें कोई नुक्स नहीं। इसलिए अल्लाह ने ये बात भी बयान की कि खलक समावाति वल अर्द बिल हक, कि जमीन और आसमान को अल्लाह ने ठीक बनाया, जमीन को अल्लाह ने करारगाह बनाया और आसमान को अल्लाह ने छत बनाया। जाल लकुम अल अर्द करारा वस्समा बिनाहा, फिर जमीन और आसमानों की पैदाइश के बाद अल्लाह की जात थकी नहीं। इसलिए कुरान ने कहा वलम याया बेखल्किहिन्न बेकादिरिन अला अन यखलुक मिस्लहुम, कि अल्लाह की जात आसमानों और जमीनों को पैदा करने के बाद थकी नहीं बल्कि इस जैसे आसमानों और जमीनों को पैदा करने की और भी कुदरत रखती है। फिर अल्लाह ने आसमान में सूरज, सितारे, चांद, सैयारे वगैरह लगाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला शानहु फरमाते हैं तबारकल्लज़ी जअला फिस्समाई बुरूजा, तबारकल्लज़ी جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला शानहु की बहुत बड़ी कुदरत का मुजाहिरा आसमानों और जमीनों के पैदाइश के जरिए होता काबिले गौर है। इसीलिए बहरहाल कुरान में कई जगहों पर अल्लाह ने अपनी मखलूकात में गौर व फिक्र करने का हुक्म भी दिया। सोचने लायक बात है कि अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान तलक 500 साल की मसाफत का फासला रखा, यानी कि 7 आसमान बनाए, 7 जमीनें बनाए। जमीन की पैदाइश के सिलसिले में रिवायत में अजीब गरीब बातें मिलती हैं। लिखा है कि जमीन जो है एक चट्टान पर है और वो चट्टान जो है फरिश्ते के एक हाथ की एक हथेली पर है और वो फरिश्ता जो है मछली के एक पर पड़ है और मछली पानी में और पानी हवा पर। इसे हम अंदाजा लगाए अल्लाह तबारक व तआला शानहु की कुदरत कामिला। लिखा है कि जमीन को अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने भिंगोरा बनाया, मतलब है कि ये दौड़ती है, घूमती है, रक्स करती है, भागती है। 66,000 मील फी घंटे की रफ्तार से ये घूमती है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में मैंने ये बात सुनी कि 66,000 मील
फी घंटा की रफ्तार से ये जमीन घूमती है। इसके घूमने और दौड़ने के दरमियान रक्स करती है। मौलाना बयान फरमाते हैं कि 23 डिग्री के जाविया पर शिमाल की तरफ ये झुकती है और 23 डिग्री जाविया पर जुनूब की तरफ झुकती है, जिसकी वजह से एक माहौल पैदा होता है सर्दी का गर्मी का, एक हरकत मतलब पैदा होती है, एक मौसम बनता है, मौसम पैदा होता है। लिखा है कि अगर जमीन सीधी हो जावे, हरकत करना छोड़ दे, झुकना आजू बाजू छोड़ दे, तो मौसम पैदा ना हो। जब मौसम पैदा ना हो तो इंसान जो है सांस लेने का भी मोहताज हो जाए, इंसान सांस नहीं ले सकता। मतलब कि इंसान का जीना दोभर हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने बरहाल जमीनों को पैदा किया, आसमानों को अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने पैदा किया, फिर जमीनों में मखलूकात, आसमानों में मखलूकात। मैंने मरतबा आसमानों के नाम बतलाए थे, दरमियान में मैंने एक बात बताई कि इस आसमान से दूसरे आसमान तलक 500 साल की मसाफत का फासला है। लिखा कि पहला आसमान थमी हुई मौज का अल्लाह ने बनाया, दूसरा आसमान चट्टान का बनाया, तीसरा आसमान लोहे का बनाया, चौथा आसमान तांबे का बनाया, पांचवा आसमान चांदी का, छठा आसमान सोने का और सातवां आसमान याकूत का। और ये बात भी लिखी कि हर आसमान में फरिश्ते रहते हैं जिनकी तादाद को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। वमा यालमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु, कि अल्लाह सिर्फ वो जात है जो फरिश्तों की तादाद को जानती है। लिखा के फरिश्तों की तादाद बारिश के कतरात से ज्यादा, रेत के जर्रात से भी ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, तमाम मखलूकात से ज्यादा। हदीस पाक में इसीलिए फरिश्तों की तखलीक के सिलसिले में यह हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों की तखलीक में गौर व फिक्र करो, तफक्करो फीमा खलकल्लाहु मिनल मलाइका। हदीस पाक में एक बात यह भी मिलती है कि फरिश्तों की भीड़ की बुनियाद पर आसमान चढ़चढ़ाता है। हतत समा वहकुल्लहा अंतती अमाफिया, कि आसमान चढ़चढ़ाता है और आसमान का हक बनता है कि वो चढ़चढ़ाए। उसके अंदर जो मखलूकात हैं इसकी बुनियाद पर मौज़ा और बाइन असाबिया इल्ला वाले ही मलकुन वाज़िउन जबहतहु, के चार उंगली के बकदर भी जगह आसमानों में नहीं, इस बुनियाद पर कि हर फरिश्ते ने अपनी पेशानी रखी है। बहरहाल अल्लाह के मखलूक में फरिश्तों से ज्यादा कोई मखलूक नहीं। और एक हदीस में तो ये बात मिलती है कि इन्न फिल जन्नति लनहरा, कि जन्नत में एक नहर है, माया दुखलोहु जिब्राइल मिन दुखलति, जिसमें हजरत जिब्राइल दाखिल होते हैं, फयखरुजु, फिर दाखिल होने के बाद जिब्राइल निकलते हैं, फयंतकिजु, फिर जिब्राइल अपने आप को झाड़ते हैं गुसल करने के बाद, जिस तरह हम अपने आप को झाड़ते हैं ताकि बदन और जिस्म से पानी दूर हो जावे, तो पानी के कतरात और टीपे निकलते हैं, तो जिब्राइल भी निकलने के बाद फयंतकिजु अपने आप को झाड़ते हैं। इल्ला खलकल्लाहु मिन कुल्ले कतरतिन, इल्ला खलकल्लाहु मिन कुल्ले कतरतिन तकतुरु मिन्हु मलका, जब वो अपने आप को झाड़ते हैं तो हर हर कतरे के जरिए अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है। बहरहाल मखलूकात में सबसे ज्यादा
तादाद जो है फरिश्तों की है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा यालमु जुनूद रब्बिक इल्लाहु, अल्लाह के जो लश्कर है मुराद इससे फरिश्ते, उनकी तादाद कितनी है अल्लाह की सिवा कोई नहीं जानता। बहरहाल एक बात जानने को यह भी मिले कि फरिश्तों की तखलीक में गौर फिक्र करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ने मखलूकात में गौर फिक्र करने का हुक्म दिया है और अल्लाह की जात में जो खालिक है उसमें गौर फिक्र करने का हुक्म नहीं दिया। तो हम अल्लाह की मखलूकात में गौर फिक्र करें, अल्लाह की जात में जो खालिक है गौर फिक्र न करें। ततफक्करू फीमा खलकल्ला, ततफक्करू फी खल्किल्ला, अल्लाह ने जो पैदा किया उसमें गौर फिक्र करो। वला ततफक्करू फिल्ला, अल्लाह की जात के बारे में गौर फिक्र न करो। फतुहलिकू, वरना हलाक और बर्बाद हो जाओगे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला शानहू की कुदरत कामिला का अंदाजा हुआ कितनी बड़ी कुदरत वाला है। तो बात बहरहाल यहां से शुरू हुई थी कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने चार कामों के करने का हुक्म दिया कि तुम रुकू करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकाउ, तुम रुकू करो, वस्जुदू सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम, और तुम इबादत करो अपने रब की। चौथा काम वफालुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम भलाई और नेकी के कामों को करो। इन कामों के करने के बाद ये बात बयान फरमाई कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर इन कामों को तुम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने पिछले जुम्मे में मैंने बताया था कि रुकू करने का हुक्म दिया और रुकू की भी तौफीक दी, हम नमाजों में रुकू कर लेते हैं। सजदे का हुक्म दिया, उसकी तौफीक से सजदा भी कर लेते हैं। इबादत का हुक्म दिया, उसके फजल से इबादत भी कर लेते हैं। भलाई के कामों का हुक्म दिया, उसके तौफीक से भलाई के कामों को भी कर लेते हैं। आज तक जितने भी रुकू किए, सजदे किए, इबादत की, अच्छे भले खरे कामों को किया, अल्लाह अपने फजल व करम से कबूल फरमावे और अल्लाह ताला हमारे वास्ते इसको नजात का जरिया बनावे। आइंदा जुम्मा में इंशाल्लाह बकिया बातों को अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला आइंदा का मौका नसीब फरमावे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।